आज हम बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही हेल्दी सा स्नैक बनाने वाले हैं, और हम इस स्नैक को बनाने वाले हैं बिना तले। और इस स्नैक की खास बात यह है कि आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं बथुए के पत्तों के साथ में। इस स्नैक को भी हम 2 तरह से बनाने वाले हैं, तो आप दोनों ही तरीके को ध्यान से देखिएगा, और जो भी तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से इस स्नैक को जरूर ट्राई करें। अब क्योंकि हम बथुए के स्नैक्स बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए बथुआ। बथुए को हमें बहुत ही अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी में धोना है, और उसके बाद में जितनी भी इसकी मोटी डंठल होंगी वो हम निकाल देंगे। और बथुआ धोने के बाद में हम इसे एक कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो खत्म हो सके, क्योंकि बथुआ जितना ज़्यादा ड्राई होगा इसमें स्नैक्स बनाते हुए बेसन उतना ही कम पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 2-3 डंठल मेरी रह गई थी तो मैंने हटा दी हैं। इसी तरह से हमें सारी डंठल को हटा देना है, सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है। बथुए को धोने के बाद में मैंने इसे एक कॉटन टॉवल पर बिछा दिया था, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये एकदम ड्राई है। यहाँ पर बथुए की टोटल क्वांटिटी है 1/2 kg, और जिसको कि मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बथुए को मैंने एकदम बारीक काट लिया है, और इस बथुए की क्वांटिटी है 250 ग्राम। तो अभी मैं आपको इस स्नैक को बनाने का पहला तरीका दिखाती हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है। बेसन की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जो बथुआ यूज़ किया है उसके अंदर कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। अगर बथुए के अंदर ज़्यादा पानी होगा तो आपको बेसन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बेसन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और जो नमक हमने इसके अंदर डाला है उसकी वजह से जो पत्तों के अंदर मॉइस्चर है वो अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर बाइंडिंग हो पाएगी। बेसन को मिक्स करते हुए हमें हाथों से अच्छे से प्रेशर देते हुए आपस में मिक्स करना है, ताकि जो पत्तों के अंदर मॉइस्चर है वो अच्छे से रिलीज़ हो सके और इसके अंदर बाइंडिंग हो सके। और जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊँगी आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बाइंड होने लगा है। हम बीच बीच में थोड़ी देर में इसे हाथों के बीच में दबाकर चेक कर लेंगे कि इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमें हथेली के बीच में इसे दबाना है। अगर ये प्रॉपर फर्म शेप ले रहा है इट मींस ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। और ये जो मिक्सचर मैंने अभी तैयार किया है ये एकदम परफेक्ट है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए हम हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे, साथ ही थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पर लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाने की वजह से ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं, और इस वजह से हम बहुत ही आसानी से इस स्नैक को बना पाएंगे। तो हथेलियों के बीच में इस मिक्सचर को रखते हुए हम छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ के रोल्स रख रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के रोल्स भी रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें इन रोल्स को कट ही करना है। तो इस तरह से हमने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है, और बाकी के मिक्सचर को भी हम इसी तरह से रोल्स बनाएंगे। इन रोल्स का साइज़ मैंने थोड़ा छोटा रखा है, और जो इस स्नैक को बनाने का दूसरा तरीका है उस तरह से मैं थोड़े बड़े इसके रोल्स बनाऊंगी, ताकि हम ये पहचान कर सकें कि कौन से रोल हमने किस मेथड से बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे रोल्स बनकर तैयार हैं, और अब बारी आती है इन्हें स्टीम करने की। स्टीम करने के लिए एक बर्तन में आप थोड़ा सा पानी रखें और उसे उबलने के लिए रख दें, और उसके ऊपर हम रखेंगे छलनी, और छलनी को भी हमें ग्रीस कर लेना है ताकि इसके ऊपर रोल्स चिपके नहीं। रोल्स को हमें एकदम पास पास नहीं रखना है, थोड़ी दूरी बनाकर इन्हें रखना है, क्योंकि एक बार स्टीम होने के बाद में ये थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो 1 मिनट तक हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे, और 1 मिनट के बाद में हम फ्लेम को लो पर कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक ढककर स्टीम करेंगे। और जब तक ये हमारे पहले मेथड से बनाए हुए स्नैक्स स्टीम हो रहे हैं तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने दूसरे मेथड की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें ऐड करें 1/4 टीस्पून हींग, और साथ ही बढ़िया खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसको कि मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। धनिया हमें फ्रेशली क्रश्ड ही यूज़ करना है। 1 टीस्पून जीरा। जीरे के अच्छे से भुन जाने के बाद में हमें इसमें ऐड करनी है बारीक कटी हुई अदरक, मिर्ची और लहसुन। हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है।
तो यहाँ पर मैं लगभग 2 टेबल स्पून इन तीनों चीज़ों का, जो चॉप्ड तीनों चीज़ें हैं वो ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को अच्छे से सॉटे करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज को बारीक काट लिया है और इसको हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। प्याज को हमें लगातार स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी इसमें ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, ये लगभग 1 टेबल स्पून है। अच्छे से मिक्स करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। बेसन यहाँ पर मैं लगभग 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा बेसन हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है और बाकी के जितने भी बेसन की हमें ज़रूरत होगी वो जिस समय हम इस मसाले को बथुए के अंदर मिक्स करेंगे तब हम ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में गैस की फ्लेम बंद कर दें, साथ ही इस मिक्सर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्स करेंगे कटे हुए बथुए के अंदर। तो यहाँ पर बचा हुआ 250 ग्राम बथुआ है जिसको मैंने काट लिया था और इस मसाले को ठंडा करने के बाद में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और साथ ही इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और ठीक पहले की तरह ही हमें इस मिक्सर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हाथों से अच्छे से दबाते हुए हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है और जितनी भी आपको ज़रूरत लगे इसके अंदर हमें बेसन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले की तरह ही थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और फिर से हम पहले की तरह हाथों में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद में इसके रोल्स बना लेंगे। और सारे रोल्स बनाने के बाद में हम फिर से पहले की तरह ही इन्हें स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूसरे मेथड से तैयार स्नैक भी एकदम रेडी हैं स्टीम होने के लिए। तब तक हम देख लेते हैं कि जो पहले स्नैक हमने रखे थे स्टीम होने उनका क्या हाल है। आप एक स्क्वायर की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं कि ये पके हैं या नहीं। बीच में आप इसे प्रिक करें और अगर स्क्वायर क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब ये स्नैक एकदम बढ़िया करके स्टीम हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इन स्नैक्स को बाहर निकाल रही हूँ और अब इसके अंदर रखने वाली हूँ हमारे दूसरे मेथड से तैयार किए हुए स्नैक को स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पर सारे रोल्स इसके अंदर आ गए हैं और 10 मिनट के बाद में फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये स्टीम हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है और स्क्वायर एकदम क्लीन आया है। और छलनी से निकालने के बाद में हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद में हम इन्हें कट करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से रोल्स को स्टीम करने के बाद में किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो सारे रोल्स को हमें इसी तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद में बारी आती है इन्हें भूनने की। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में या फिर देसी घी में भून सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट सबसे बढ़िया मस्टर्ड ऑयल में आता है। तो मैंने यहाँ पर पैन में ऐड किया है लगभग 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को हम एक बार स्मोक पॉइंट तक लाकर पकाएंगे और जैसे ही तेल स्मोक पॉइंट पर आएगा हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस तरह से जब भी आप सरसों का तेल यूज़ करें किसी भी खाने को बनाने के लिए, किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, तो उसे स्मोक पॉइंट तक ज़रूर पकाएं। और अब मैंने इसके अंदर ऐड की है थोड़ी सी हींग, साथ ही इसके अंदर ऐड करें 1 टीस्पून जीरा। यहाँ पर मैं इसे फ्राई करने के लिए जीरे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो राई का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसे भूनते हुए अजवाइन का यूज़ करते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। साथ ही बढ़िया कलर के लिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से भून लें और एक बार जब ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसके अंदर वो कट किए हुए रोल्स रखेंगे। दोनों ही तरह के स्नैक खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप एक बार दोनों तरह से इस स्नैक को ट्राई कीजिएगा और फिर जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप नेक्स्ट टाइम उसे उसी तरीके से बनाइएगा। थोड़ी देर बाद हम इन स्नैक्स को पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सिक सकें। और ये लीजिए, देखते ही देखते हमारे स्नैक्स अच्छे से सिक चुके हैं और अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। आप इन्हें हरे धनिया की चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं।
इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।